नमस्कार मित्रों, इससे पिछली वीडियो में हमने रे और ले इन दोनों के नियमों को सीखा था, लेकिन अभ्यास नंबर 30 जब हम बनाते हैं तो उससे पहले कुछ शब्दचिन्ह आते हैं। आज हम अभ्यास नंबर 30 और अभ्यास नंबर 31 इन दोनों के शब्द चिन्हों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे अभ्यास नंबर 30 से पहले शब्दचिन्ह आते हैं परंतु और प्राय का, क्या करना होता है, जैसे दोनों में क्या कॉमन है, पै और रे। यदि लाइन से ऊपर पै और रे बना दूं तो ये पढ़ा जाएगा परंतु अथवा प्राह है, लेकिन इसी पै को यदि लाइन से टच करके बना दूं तो पढ़ा जाता है प्रत्येक। इसी पै और रे को लाइन काट के बना दूं, चूंकि ई की मात्रा आ रही है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा प्रति। प्रतिकूल लिखना है तो आपने पढ़ा है प्रति तो ये है ही, कैमे लय का आंकड़ा लगाना है। एक बार और देख लीजिए, प्रतिकूल पै में रह का आंकड़ा है, में रह का आंकड़ा और केवल लय क्या हो जाएगा प्रतिकूल। लिखना है पूर्वक, पूर्वक लिखना है तो कुछ नहीं करना, पूर्व और ये बै बनाना है बस। पै में रह का आंकड़ा बनाना है, पुनः देख लो, पै में रह का आंकड़ा और ये बै छोटा सा। किसी व्यंजन की लंबाई यदि छोटी कर दी जाती है तो उसमें कै टै और ये पै, ये तीन व्यंजन स्वतः ही जुड़ जाते हैं, नियम आगे आएगा। आप यहां पर समझ लो पै बनाना है रे और ये बै को छोटा बनाना है, इसमें कै स्वतः ही जुड़ जाएगा। जैसे तरह लिखना है तो तय और रे कॉमन है, लाइन से ऊपर तय और रे बना दो पढ़ा जाएगा तरह और तरफ। इसी को लाइन से टच करके बना दो पढ़ा जाएगा तरसों और बेहतर। इसी को लाइन काट के बना दो पढ़ा जाएगा भीतर और तरकीब, क्यों, क्योंकि ई की मात्रा आ रही है। ठीक, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद इसमें कॉमन है कै और रे, लाइन से ऊपर कै और रे बना दो पढ़ा जाएगा कर, करके और करना, लेकिन इसी को लाइन से टच करके बना दो पढ़ा जाएगा करीब और किनारे। कारण लिखना है तो कुछ नहीं करना, कै में रे बनाना है और इसमें अंदर की तरफ नै बनाना है। आपको नै का आंकड़ा आता होगा, नै का नियम क्या था, नीचे की तरफ एक हुक बना रहे थे, बाद में वो नै पढ़ा जा रहा था, ऐसे ही शुरू में हुक लगाया है तो रे कै पढ़ेंगे फिर रे फिर नै। करण लिखा हुआ है लेकिन शब्द चिन्ह पढ़ा जाएगा कारण का, लाइन से ऊपर ही बनाना है। पास लिखना है तो कुछ नहीं करना, पै और से दो चीज आपकी कॉमन इसमें दिख रही है, पै और से दो चीज कॉमन है, देख लीजिए क्या करना है, पै और से लिखना है, पढ़ा जाएगा पास या फिर पढ़ा जाएगा पश्चात, दो चीज पढ़ी जाएंगी ये इसके साथ साथ, क्या क्या, पास और पश्चात। पेश लिखना है क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है इसलिए लाइन पर लिखेंगे पै और से, पढ़ा जाएगा पेश। आपको लिखना है आपस तो इसको लाइन काट के बनाया हुआ है, क्या पढ़ा जाएगा आपस, लेकिन इसी को लाइन काट के बना देंगे तो पढ़ा जाएगा पेस्तर। लाइन काट के बनाना है थोड़ा बड़ा, पढ़ा जाएगा पेस्तर। इसका नियम है तर दर और टर का, किसी व्यंजन की लंबाई ज्यादा कर दो तो उसमें तर ढर टर लग जाता है, आगे नियम आएगा, इसीलिए इसकी लंबाई ज्यादा है सामान्य रूप से इनके, ये पढ़ा जाता है पेस्तर। शब्द लिखना है बाहर, बाहर और खराब क्या करना है, इसका थोड़ा सा लॉजिक अपने में अलग है, रटना ही पड़ेगा। क्या है, रे बना रखा है लाइन से ऊपर और उसको बाद में काट रखा है, बाहर और खराब क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ रे बनाना है और इसको इस तरह से छोटा सा हुक लगाना, ये पढ़ा जाएगा बाहर अथवा खराब। देर लिखना है तो इसको लाइन से टच करके और ऐसे बनाना, देर पढ़ा जाएगा। दूर अथवा धीरे पढ़ना है तो इसको लाइन से काटते हुए इस तरह से लिखना, ये आपको रटने पड़ेंगे, कोई सेंस नहीं है, बस रे ले रखा है इन्होंने, ये बना रखा रे बनाया ऊपर, बाहर और खराब लाइन से टच करके बनाया और बाद में इसको काटा है, बाद में क्या किया, इसमें थोड़ा सा हुक बनाया है, जैसे तय के में हुक लगा रहे थे तय के आंकड़े में उसी तरह से। ठीक, उसके बाद लिखना आपको इधर उधर, कैसे पढ़ना है, लिखना है आपको जैसे धैर्य धर लिखो आप और इसको बाद में काटो, धैर्य में रह का आंकड़ा लगाया बाद में काटा, लेकिन एक चीज़ है कि इस धैर्य को काटने को शुरू में ले लो आप, शुरू में कैसे, जैसे ये काटने वाला चिंता शुरू में लगा के धैर्य में रह लगा दो, इसको शुरू में काटा है देखो, ये कटा हुआ है शुरू में, ये जो चिन्ह है ये कटने का है, इसके बीच में ना लगा करके शुरू में लगा लिया है, क्या करेंगे ये और ये लाइन से ऊपर पढ़ा जाएगा इधर, लेकिन ये काटने का निशान ऊपर लगा दो, अब कहाँ आ जाए ऊपर, ये क्या पढ़ा जाएगा उधर, इधर में पहले काटना है उधर में बाद में, जैसे इतना में शुरू में काटा था उतना में बाद में, ऐसे ई की मात्रा आ रही है तो पहले काटेंगे, ऊ की मात्रा आ रही है तो बाद में काटेंगे। ठीक, फिर लिखना है किधर, कुछ नहीं करना, कै बनाना है उसमें आंकड़ा बनाना है, कै बनाना है धै में रह और ये बाद में काटना है, हो जाएगा किधर। ऐसे लिखना है जिधर
तो कुछ नहीं करना, जय बनाना है और इधर से काटते हुए ये करना है, ये हो जाएगा जिधर। तिधर लिखना है तो कुछ नहीं करना, तय बनाना है, धैमे रह का आंकड़ा और ये बात, ये हो जाएगा तिधर। हालांकि इतने शब्द आते नहीं हैं इसमें, ये वाले थोड़े मोस्ट हैं, ये थोड़े आते हैं, ये दूर वाला भी बहुत आता है, ठीक। ये आपको करने हैं। दोबारा से देख लीजिए, लाइन से ऊपर पे और रे बनाऊं तो पढ़ा जाएगा परंतु और प्राह, लाइन पर बना दूं तो पढ़ा जाएगा प्रत्येक, लाइन काट के बना दूं तो पढ़ा जाएगा प्रति, ठीक। इसमें ए की मात्रा आ रही इसलिए लाइन पर, ई की मात्रा आ रही इसलिए लाइन काट के। प्रतिकूल लिखना तो प्रति तो है ही, कै में लय का आंकड़ा और लगा दिया, हो गया प्रतिकूल। पूर्व लिखना है तो पे और रे तो है ही, उसके साथ वे बनाकर छोड़ दिया छोटा सा, हो जाएगा पूर्वक। तरह लिखना है तो तय और रे, लाइन से ऊपर, लाइन पर तय और रे बना दूं पढ़ा जाएगा तरसो और बेहतर, लाइन काट के बना दूं तो पढ़ा जाएगा भीतर और तरकीब। कर कर, लाइन से ऊपर बना दूं पढ़ा जाएगा कर, करके और करना, लाइन पर बना दूं तो पढ़ा जाएगा करीब और किनारे, लेकिन कै में रे का आंकड़ा के साथ ने और बना दूं पढ़ा जाएगा कारण, ठीक। पास लिखना है, ये पास लिखना है तो पे में से का आंकड़ा, पास और पेश पश्चात, दोनों चीज पास और पश्चात। पेश लिखना है तो लाइन पर, आपस लिखना ये काफी आता है तो पे और से, ठीक। पेस्तर लिखना है तो इसकी लंबाई ज्यादा कर देनी है, पेस्तर हो जाएगा। बाहर और खराब लिखना है तो रे बनाया है लाइन से ऊपर। देर लिखना है तो रे बनाया है लाइन पर, उसको बाद में डैश लगाया है, लाइन काट कर रे बनाया और डैश बनाया तो पढ़ा गया दूर और धीरे। इधर लिखा तो शुरू में धै को काटा है, धै में रे का आंकड़ा। उधर लिखा तो धै में रे का आंकड़ा लगाकर बाद में काटा है। किधर लिखा तो कै, धै में रे का आंकड़ा और बाद में काट दिया। जिधर में जय और धै में रे का आंकड़ा। तिधर में तय और धै में रे का आंकड़ा। इतने शब्द चिन्ह हैं। अभ्यास नंबर 31 तक आपको कंप्लीट करनी है। 31 के बाद जब आप 32 नंबर वाले अभ्यास पे आएंगे तो उसके कुछ मोस्ट शब्द चिन्ह हैं, वो भी आपको कराए जाएंगे। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं। और एक बात, अब जो शब्द चिन्ह आए हैं, शुरू शुरू में जो शब्द चिन्ह आए थे वो बहुत हल्के हल्के आए थे, उनमें थोड़ा लॉजिक भी था, इनमें लॉजिक कम है क्योंकि मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ तक आने में बच्चा कतराने लगता है शॉर्ट हैंड से। आप कतराइए ना, यदि आप ये दो तीन वीडियो और हैं जो नियम की हैं, एक या दो, यहाँ तक आप आ गए हैं तो समझ लो आपने आधे से ज़्यादा जंग जीत ली है। उसके बाद इन्हीं नियमों को बार बार हमें रिपीट करना है और इन्हीं को बार बार चलाना है। पेंसिल चलेगी, आप याद होते चले जाएंगे, आपके याद होते चले जाएंगे तो आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, यकीन मानिए। यदि इससे पीछे 30 अभ्यास से पीछे तक आपने कर ली हैं तो आप शॉर्ट हैंड को 80% सीख गए हैं। अब आपको इसका रिवीजन ही करना है। हम ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, कम कम ही पढ़ाएंगे, उतना पढ़ाएंगे जो आपके लिए मोस्ट है। पढ़ाने को पूरी किताब पढ़ी है, लेकिन हम ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में सिर्फ थोड़ा कम पढ़ाते हैं। खैर, आप बुरा ना माने, याद कीजिए इनको और अगली वीडियो तक हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।